हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वार्षिक आकलन मार्च 2022 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड का था और 25/3/2022 को ये एग्जाम हुआ था। समय था इसका 180 मिनट, अंक थे 60। निर्देश, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड, प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों क, ख, ग, घ, ड में बांटा गया है। भाग क, बहुविकल्पी प्रश्न, 1 से 12 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का नवीनतम स्वरूप अवलिक प्रकार है? क, साप्ताहिक बाजार, ख, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑनलाइन शॉपिंग और गैर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन गैर, ऑनलाइन शॉपिंग। क्वेश्चन 2, लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं? क्या महिलाओं के साथ असमान व्यवहार, खै किसान व मजदूरों की कम आय, गै संचार माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव, यह उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या धन, क्या समाज में स्थान ओब्लिक स्तर, गह आत्म सम्मान और गह पद। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन गे, आत्म सम्मान। नाउ प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा संचार के छपे हुए माध्यम ऑब्लिक प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? क्या टेलीविजन, क्या रेडियो, गह अखबार और गह मोबाइल। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन गे, अखबार। प्रश्न 5, किसी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति क्या कहलाती है? क्या प्रतिलिपि, क्या दस्तावेज, गह पांडुलिपि और गह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन गह पांडुलिपि। नाउ क्वेश्चन 6, नादिर शाह किस देश का शासक था? क्या मिस्र, क्या ईरान, गह इराक और गह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है क्या ईरान। नाउ क्वेश्चन 7, चेर साम्राज्य में किस भाषा की शुरुआत हुई थी? क्या तमिल, क्या संस्कृत, क्या मलयालम और क्या तेलुगु। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन क्या तमिल। नाउ क्वेश्चन 8, भगवान जगन्नाथ डैश के प्रमुख देवता थे? क्या केरल, क्या उड़ीसा, क्या पंजाब और क्या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के प्रमुख देवता थे। नाउ क्वेश्चन 9, भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? क्या प्लेन स्केल, क्या रिक्टर पैमाने, क्या कंपास और क्या डिवाइडर। तो भूकंप को जो है रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, बी है ऑप्शन आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 10, पिघला हुआ मैग्मा किस चट्टान से बना है? क्या आग्नेय, क्या रूपांतरित, क्या तलछटी और गह इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका कै आग्नेय। नाउ क्वेश्चन 11, पृथ्वी में अचानक होने वाली हलचल कहलाती है? कै भूकंप, कै पहाड़ों का निर्माण, गह केंद्र और गह इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इसका भूकंप, कै ऑप्शन राइट है। प्रश्न 12, मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है? क्या रेगिस्तान, क्या ग्लेशियरों, गै नदी घाटियां और गै कोर। तो करेक्ट आंसर है गै रेगिस्तान आपका सही है, कै रेगिस्तान। अब भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 13 से 20, निर्देशानुसार करें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 13 से 15, सही कथन के लिए सत्य एवं गलत कथन के लिए असत्य लिखें। प्रश्न 13, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काम का कम बोझ उठाना पड़ता है।
स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काम का कम बोझ उठाना पड़ता है, ये आपका गलत कथन है। नाउ क्वेश्चन 14, भूमि पाने वाले को ताम्र पत्र दिया जाता था, ये भी जो है आपका गलत है। नाउ क्वेश्चन 15, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपका सही है। अब प्रश्न संख्या 16 से 20, खाली स्थान भरें। प्रश्न 16, कमीज की कहानी डैश की फसल के उत्पादन से शुरू होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा कपास। क्वेश्चन 17, आगरा के ताजमहल का निर्माण डैश ने करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहां ने। प्रश्न 18, पौधे और जंतु जगत मिलकर डैश का निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण करते हैं जीव मंडल का। क्वेश्चन 19, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। क्वेश्चन 20, एक विशाल ज्वार की लहर जिसे डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ज्वार भाटा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हरियाणा बोर्ड HBSC क्लास 7th SS का पेपर सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।